नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। ऋषि पंचमी व्रत की दो कथाएं हैं, एक कथा मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी, दूसरी वीडियो में मैं आपको दूसरी कथा सुनाऊंगी, तो वो भी वीडियो आप जाकर सुन लीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। एक समय राजा सिताशव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदि देव, आप समस्त धर्मों के प्रवक्ता और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा सुनकर मन को महान शांति मिलती है और भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं, अब मैं आपके मुखारविंद से श्रेष्ठ व्रत को सुनना चाहता हूँ, जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको गुड़ और समस्त पापों को नष्ट करने वाले सर्वोत्तम व्रत को सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है, उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास है, उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। व्रत का इतिहास वर्णन करते हुए भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय की बात है कि विदर्भ देश में एक उक्तंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपति के घर में एक पुत्र और एक पुत्री थे। उनके पुत्र का नाम सुविभूषण था। सुविभूषण बहुत ही कुशार्ग और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी की सलाह से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि वह ब्राह्मण कन्या विवाह के होने के पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। कन्या के दुख से दुखी होकर उसका पिता अपने पुत्र को घर बार सौंप कर अपनी पत्नी और कन्या को साथ लेकर गंगा जी के किनारे चला गया। वहाँ आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण बालक भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत करती रही। वह नित्य प्रतिदिन मन लगाकर माता पिता की सेवा भी किया करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुधि भी नहीं रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस वस्त्रहीन कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उसने जाकर अपनी गुरु माँ को कहा। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर उसकी माता बड़ा ही विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुँच गई। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और ढारे मारकर रोने लगी। विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति के सामने लेकर पहुंच गई। ऋषि उत्तंक ने अपनी कन्या की इस दशा को देखा। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपया कर मुझे बताइए कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस प्रकार हुई है, क्या कारण है। अपनी भार्या की बातों को सुनकर उत्तंक ऋषि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांतों को जान लिया। तब वे अपने पत्नी को नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले सातवें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक समय रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। हे देवी, रजस्वला स्त्री
पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन धोबिन के समान होती है, चौथे दिन वह स्नान करके शुद्ध हो जाती है। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखा भी, उसका आदर नहीं किया। व्रत के दर्शनों के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामिन, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजो में उत्तम कुल में जन्म प्राप्त हुआ और जिसके तिरस्कार मात्र से शरीर कीड़ों से भर गया, ऐसे महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाइए। ऋषि प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। उसके प्रभाव से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैविक, भौतिक और दैहिक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। इस व्रत को धारण करने से स्त्री सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। स्त्री को चाहिए कि उस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करे और स्नान करके उस दिन सुबह शुद्ध वस्त्र पहनकर इस व्रत को धारण करे। धारण करने के बाद पंचामृत से ऋषियों का पूजन अर्चन स्नान इत्यादि कराकर चंदन कुमकुम पुष्प फल फूल यज्ञोपवीत वस्त्र इत्यादि भेंट करे। इस दिन सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, भरतवाच, विश्वामित्र, गौतम, जगतगनी और वशिष्ठ का ध्यान करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज पूजा अर्चना वंदना व्रत इत्यादि करना चाहिए। इस प्रकार करने से समस्त तीर्थों के दर्शन और समस्त दानों से भी श्रेष्ठ है। जो स्त्री सुख पाने की इच्छा से व्रत को धारण करती है, वह सुंदर स्वरूप, उत्तम गुणों से परिपूर्ण पुत्र पोत्र आदि को पाती है। इस लोक में उसे समस्त भोग प्राप्त होते हैं और परलोक में भी अक्षय गति को पाती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का भी स्मरण रहता है। जो भी इस व्रत पूजन को करता है, इस कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी ऋषि पंचमी व्रत की पहली कथा। दूसरी कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अपनी राय या प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।